शेयर, मैं कॉर्डियल पब्लिकेशन से बोल रहा था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो हमारे नए नए वीडियोस आते रहते हैं, तो हम आपको आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ये फ्री ऑफ चार्ज, आपको कुछ पैसा नहीं देने का। तो और यदि आपको भी मालूम करने का कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, तो आप आपके हाथ का हाथ की रेखा, आदमी हो तो राइट हैंड और गर्ल्स हो तो लेफ्ट हैंड का साइड का, इस साइड का दे सकते हैं हमको। और मेल आईडी info@yahoo.com पर भेज सकते हैं। उसके साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी दे दीजिएगा, तो हम उसको आपको एनालिसिस करके बता देंगे कि आपकी शादी कब होगी। हाँ, इसका चार्ज लगता है, फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर इसके लिए। अभी हम मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका लव मैरिज होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये आपका पाम है ना, हथेली है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हथेली को आप ऐसे ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा स्टेप से देखेगा, तो यहाँ पर टच करने का, यहाँ पर तो टच कर दे, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपका ये चांद दिखता है, ऐसा आधा चांद, अर्ध चंद्र बोलते हैं उसको, हाफ मून ऐसा बनता है क्या? हाफ मून बनेगा तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके पीछे अभी इसमें चांसेस रहेंगे, बोले तो 90% तक चांस रहते हैं कि आपके शादी लव मैरिज होगी। अभी इसमें अपने को ये हार्ट लाइन में आपको इसमें क्रॉसेस नहीं होने चाहिए ना, ऐसे क्रॉस क्रॉस रहते हैं, क्रॉस 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 रहते हैं, देखेंगे यहाँ पर तो ये क्रॉस रहता है, ऐसा लाइन लाइन कटी कटी लाइन रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो होता है तो उसमें अपने को क्या होता है कि मन से आदमी अच्छा नहीं होता, मन उसका अच्छा फील नहीं करता। मन उसका अच्छा फील कब नहीं करेगा? जब उसकी लव मैरिज नहीं होगी या उसके दिमाग के उसके दिल के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। इसका एक रीज़न भी है कि सपोज करो ये हार्ट लाइन, इसका बेसिक रीज़न भी है, सपोज करो जिसकी भी हार्ट लाइन ज़्यादा होती है, नहीं ये हार्ट लाइन कहलाती है, ये माइंड लाइन कहलाती है, और ये लाइफ लाइन कहलाती है, ये वाली लाइन, तो जिसकी भी हार्ट लाइन ज़्यादा होगी तो आदमी ज़्यादा दिमाग से सोचता है, दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग से नहीं सोच पाता है। तो इसकी हार्ट लाइन ज़्यादा है, ये लंबी का मतलब चांद बन रहा है, तो इसकी हार्ट लाइन ज़्यादा है तो आदमी दिमाग से सोचेगा, इसलिए वो लव मैरिज कर देगा। सपोज करो उसकी लाइन ये ज़्यादा लंबी हो गई, तो उसको ये दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इससे भी ज़्यादा लंबी, तो फिर वो दिल भी यूज़ करेगा, दिमाग भी यूज़ करेगा, तो चांस कम रहेंगे, तो ये दिमाग की लाइन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी सपोज को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट लाइन और लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और दिमाग की लाइन दोनों एक हो गए, लेकिन कभी वो बहुत लंबी है तो भी आदमी लव मैरिज करता है। मैं कस्टमर है, उसका हार्ट लाइन और लव यानी दिमाग की लाइन और हार्ट की लाइन एक ही है, उसका लंबा है, यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, तो उस केस में भी वो लव मैरिज के चांस होते हैं। नहीं, ये अपने को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ होनी चाहिए कि आप सपोज करो जब भी आपका लव अफेयर होगा या लव का होगा, उस टाइम पे आपका जैसे गर्ल्स होगी तो उल्टा हाथ और बॉयज होंगे तो राइट हैंड में, उस टाइम पे देखने का कि आपके यहाँ उस टाइम पे शादी की लाइन भी है क्या, है ना। शादी की लाइन होनी चाहिए तभी उसी टाइम पे, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से अपना ये लिटिल फिंगर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको लाइन देखेगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये लाइन इधर इस बाजू में यहाँ पर है, तो यहाँ से देखिएगा कि इस उम्र में यहाँ से बढ़ती जाएगी, तो सपोज करो आपका आपकी उस टाइम पे सपोज करो 20-22 के आसपास है, तो उस टाइम पे आपकी शादी की लाइन भी है क्या? यदि शादी की लाइन उस टाइम पे नहीं होगी, यानी बहुत ऊपर की बाजू में होगी, तो उस टाइम पे लव मैरिज के चांस 0 हो जाएंगे। तो इसका एक क्रॉस चेक इससे मालूम करता है कि यार ये आपका शादी की लाइन है क्या, आपका बस कोई शादी की लाइन बहुत छोटी है, इतनी इतनी सी छोटी लाइन है तो भी, छोटी सी इतनी सी लाइन होगी तो भी शादी के चांस बहुत कम देंगे, या बहुत ही बारीक होगी, बहुत बारीक यानी बाल जितनी बारीक होती है ना, कभी कभी एक लाइन होती है तो बहुत ही बारीक, इतना थीन, वेरी थीन लाइन होगी तो भी चांस बहुत कम होगी। तो आपको ये चेक करने का इसके साथ, क्या आधे चंद्र के साथ ये भी चेक करने का, क्या यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन उस टाइम पे है क्या, यहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जैसे ना पेन,
यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट हो गया सब बचकर आपका 20-22 रहेगा, तो ये 20-22 यहाँ पर यहाँ के करीब आ जाएगा। 20-22 आप देखेंगे तो यहाँ के करीब आएगा, तो आपकी उम्र में आपका अफेयर उस टाइम पे 20-22 के आसपास होगा। यहाँ पर लाइन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लाइन होगी तो ये काम काफी आपका लव मैरिज हो पाएगा। अभी लाइन यहाँ पर होगी तो आपका लव के चांस नहीं, लव मैरिज के चांस नहीं होंगे, क्योंकि ये 30 के आसपास का दिखाता है, 30 के पार दिखाता है। यदि आपकी उम्र 30 के आसपास है तो ये इसके पास यहाँ पर होना चाहिए, तब लव मैरिज के चांस वगैरह होंगे। जनरली अफेयर वगैरह तो 20 के आसपास ही होते हैं, 20-25 के आसपास होंगे, 27 के आसपास होंगे, तो ये सेंटर के आसपास नीचे होना चाहिए, या आपकी मैरिज की लाइन इसके नीचे होना चाहिए, सेंटर के पास में जो मिडिल फिंगर है इसके बीच के नीचे होना चाहिए, तो आपकी शादी हो पाएगी। कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का उत्तर देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।